प्रभु ईसा मसीह में ईशवाणी के प्यारे दर्शकों को आप सभी को जय यीशु। नो द होली वीक, पवित्र सप्ताह को जानो। ईशवाणी के इस प्रोग्राम के सभी दर्शकों को इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। मैं फादर एंटनी उज्जैन धर्म प्रांत के कैथोलिक प्रीस्ट हूं। पवित्र हफ्ता, ईशवाणी के प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैथोलिक एलिसिया आज से आने वाले संडे तक पवित्र हफ्ता के रूप में मना रहे हैं। व्हाट इज होली वीक? ईशवाणी के बहुत सारे दर्शक होंगे जो कैथोलिक चर्च के जो रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानते। पवित्र सप्ताह या होली वीक प्रभु ईसा मसीह के पीड़ा सहन, दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान, इन घटनाओं पर मनन चिंतन करने का वक्त है या दिन है। खजूर रविवार से लेकर ईस्टर रविवार को तक के समय को हम पवित्र सप्ताह के रूप में मनाते हैं। आइए आज हम जानने के लिए कोशिश करते हैं क्या है पवित्र सप्ताह। पवित्र सप्ताह का पहला दिन आज पाम संडे के रूप में मनाया जाता है, या खजूर रविवार जिसे बोलते हैं। व्हाट इज पाम संडे? खजूर रविवार क्या है, या खजूर रविवार किस लिए मनाया जाता है? पवित्र बाइबल में पाम संडे के बारे में क्या वर्णन किया गया है, और पवित्र खजूर रविवार को आज कैथोलिक कलीसिया के गिरजाघरों में कैसे मनाया जाता है? आइए हम देखते हैं। पाम संडे या खजूर रविवार प्रभु ईसा मसीह के जेरूसलेम मंदिर में राजकीय प्रवेश को बताया जाता है, उसको मनाया जाता है। प्रभु ईसा मसीह जीसस ट्रायम्फेंट एंट्री इनटू द टेंपल ऑफ जेरूसलेम। प्रभु ईसा मसीह को पाम संडे के इस प्रकार का एक एंट्री की क्या जरूरत थी, यह काफी महत्वपूर्ण है। हम विश्वास करते हैं प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में पिता ईश्वर द्वारा भेजा हुआ प्रभु ईश्वर के पुत्र हैं, लेकिन लोगों को यह पता नहीं था। ईश्वर का, ईसा मसीह का जन्म एक गरीबी परिवार में, गौशाला में हुआ। योसेफ और मेरी के साथ में उनका पालन पोषण हुआ। तीन सालों तक प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हुए चले। लोगों को प्रभु ईसा मसीह में बहुत सारे चमत्कार देखने को मिला। वो रोगियों को चंगा कर देते थे, मृतकों को जिलाते थे, अनाथों और विधवाओं के साथ देते थे। इसराइली जनता गुलाम थी, रोमियों की गुलामी के अंदर थे। लोगों को तरह तरह की पीड़ाओं को सहना पड़ा, तो लोगों की एक उम्मीद थी हमें बचाने के लिए प्रभु कहीं ना कहीं एक राजा को भेजेंगे, एक राजा हमारे ऐसे लिबरेटर आएंगे, वो राजा हमें इनकी गुलामी से हमको मुक्त कराएंगे, आसाद कराएंगे। ये सोच सारी जनता को थी। जब प्रभु ईसा मसीह ने जो लोगों के बीच में चमत्कार दिखाए और उनके साथ दिए, भारी भीड़ इकट्ठे हो गई है। और आज ऐसा एक वक्त आ गया है कि लोग प्रभु ईसा मसीह को राजा के रूप में मानने को तैयार हुए हैं। ये प्रभु ईसा मसीह के जन्म के पहले की भविष्यवाणी है, एक राजा आएंगे। यरूशलेम मंदिर, जो इसराइली जनता का, यहूदियों का मुख्य आराधना केंद्र है,
उस यरूशलेम मंदिर में सालाना बहुत बड़ा त्योहार होता है, हजारों लाखों में भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं। उस दिन में प्रभु ईसा मसीह का ट्रायम्फेंट एंट्री, एक राजा के रूप में इस मंदिर में प्रवेश होता है, उसी को पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। उस दिन आइए हम देखते हैं पवित्र वचन में, संत मत्ती के सुसमाचार में इसका वर्णन किया गया है किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया है। पवित्र बाइबल में कहते हैं, घटना है जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, यरूशलेम तक पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप बतफगे आ गए, तो ईसा ने दो शिष्यों को कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंदी हुई गद्दी मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ, यदि कोई कुछ बोले तो कह देना प्रभु को इनकी जरूरत है, वह इन्हें शीघ्र ही वापस भेजेंगे भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, सियोन की पुत्री से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आते हैं, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार है। पाम संडे का सबसे बड़ा इवेंट यही है, ईसा मसीह यरूशलेम मंदिर की ओर जा रहे हैं राजा के रूप में, लोग इनको एक राजा के रूप में मानने को तैयार। प्रभु बाइबल के भविष्यवाणी के आधार पर एक गधे को, गधे के बछड़े को शिष्यों को लेकर आने के लिए कहते हैं, वो शिष्य वो उसको लेके आते हैं और उसके ऊपर ईसा मसीह बैठ जाते हैं, हजारों में लोग उनके पीछे अपने कपड़े उतार कर रास्ते में बिछा देते हैं और खजूर की डालियों को काट काट कर, खजूर की खजूर पेड़ वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो खजूर से पेड़ में से डालियां काट काट कर लोग अपने हाथ में पकड़ते हुए उनके लिए नारा लगाते हैं, दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। पुराने जमाने में राजाओं का एंट्री इस प्रकार का होता था, किस प्रकार वह घोड़े पर आते थे, अपने सारे सेनानियों को लेकर, सारे आयुधों को लेकर घोड़े पर आते हैं और घोड़े पर सवार होकर बैठकर सारे आन बान के शान बान के साथ आगे एंट्री यरूशलेम में एंट्री करते हैं, तो लोग उनका जय जयकार करते हैं। एक ऐतिहासिक चेंज यहां हमको देखने को मिलता है, प्रभु ईसा मसीह लोगों की सोच के आधार पर, उनकी चाहत के आधार पर एक राजा के रूप में एंट्री करते हैं, मगर फर्क यही है कि वो एक ऐसा एक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल लिबरेटर के रूप में नहीं आते हैं, जो लोगों की धारणा है हमें इस दुनिया के जो तकलीफों से बचाएंगे, हमें मुक्ति दिलाएंगे, नहीं, वो विनम्र होकर गधे पर, गधे के बछड़े पर विनम्रता के साथ आगे बढ़ते हैं। लोग दूध मुह बच्चों के मुंह से भी प्रभु के लिए जयगान सुनाई पड़ा, दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते। आइए हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह इस प्रकार जय जयकारों के बीच यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। हाँ, मैं फिर से बताना चाहूंगा, यरूशलेम मंदिर यहूदियों के सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे मेन आराधना केंद्र है, हजारों लोग वहां पर आते। मंदिर में जो पवित्रता बनाए रखनी चाहिए वो पवित्रता आज उस वक्त वहां गायब ही हो चुका है, बिजनेस का अड्डा बन गया था। जैसे ही प्रभु मंदिर में प्रवेश करते हैं, आगे क्या करते हैं, पाम संडे में क्या करते हैं, हम देखते हैं। जब ईसा यरूशलेम आए तो सारे शहर में हलचल मच गई, लोग पूछते थे ये कौन है, और जनता उत्तर देती थी यह गलीलिया के नाजरत के नबी ईसा है। ईसा ने मंदिर में प्रवेश किया और वहां से सब बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकाल दिया, बेचने वालों को, खरीदने वालों को, दुकानदारी करने वालों सबको निकाल दिया, हटा दिया वहां से।
उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी और उन्होंने कहा, लिखा है पवित्र वचन में लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोग उसे लुटेरों का अड्डा बनाते हो। एक प्यूरिफिकेशन ऑफ द टेम्पल, मंदिर की साफ सफाई। जिस मंदिर में प्रार्थना की आवाजें गूंजनी चाहिए, वहां प्रार्थना के अलावा खरीदी का, बेचने का, दुकानदारी चल रहा है, वहां एक साफ सफाई चल रहा है। हटा देते हैं, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरे पिता का घर को तुम बाजार मत बनाओ। और तीसरा, आगे एक और इवेंट चल रहा है। मंदिर में अंधे और लंगड़े ईसा के पास आए और उन्होंने उनको चंगा किया। एक नए न्यू जनरेशन, प्रभु ईसा मसीह के राज्यकाल में किस प्रकार के संदेश मिलेगा, किस प्रकार का अनुभव होगा, वहां अंधे, लंगड़े, लूले, इन सब की चंगाई होगा। एक आध्यात्मिक चंगाई और एक शारीरिक चंगाई। ट्रायम्फेंट एंट्री ऑफ द किंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ द टेम्पल और ए न्यू ईरा ऑफ बिगिनिंग। मंदिर के में ए राजा के रूप में एंट्री, मंदिर की सफाई एवं एक नई शुरुआत। लोग चिल्लाने लगे, कुछ लोग इनके खिलाफ होने लगे। वहां के उस जमाने के राजा नेधागन आए, जब महायाजकों और शास्त्री, वहां के बड़े बड़े अधिकारियों ने यह देखा, उनके चमत्कार देखे और बालकों को मंदिर में नारा लगाते सुना, दाऊद के पुत्र को होसाना, तो वे क्रुद्ध होकर ईसा से बोले, क्या तुम सुनते हो कि ये क्या कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सुनता तो हूं, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा, बालकों और दूध मुख बच्चों के मुख से तूने अपना गुणगान बनाया है। प्रभु ईसा मसीह के इस ट्रायम्फेंट एंट्री को पाम संडे के रूप में चर्च मनाते हैं। अब तो मैंने बताया कि किस प्रकार पाम संडे हुआ था, या खजूर रविवार का उद्गमन हुआ था। आज खजूर रविवार है। आज कैथोलिक चर्च के सारे गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना होती है। विशेष प्रार्थना ऐसी होती है कि आज विशेष रूप से एक पवित्र स्थल बनाया जा रखता है और वहां पर खजूर की डालियों को खाट खाट कर इकट्ठे कर देते हैं और पुरोहितगण प्रार्थना के परिधान पहनते हुए आते हैं और वहां संडे की प्रार्थना की शुरुआत होती है। और संडे की प्रार्थना की शुरुआत की प्रार्थना के बाद विशेष इस खजूर रविवार के खजूर के डालियों को विशेष आशीष की प्रार्थना करते हैं। खजूर की डालियां हाथ में लेते हुए सारे विश्वासीगण मंदिर की परिक्रमा करते हैं, होसाना दाऊद के पुत्र को होसाना। पाम संडे में होसाना, प्रभु की जयगान, प्रभु की जय हो, प्रभु ईसा मसीह के राजा के रूप में जयकार हो। हजारों सालों पहले प्रभु ईसा मसीह को राजा के रूप में यरूशलेम मंदिर में ले जाते हुए, अपने कपड़ा रास्ते में बिछाते हुए, खजूर की डालियों में हाथ में लेते हुए, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक प्रभु का जिस प्रकार जयगान किया, उसी प्रकार आज भी विश्वासीगण उस विश्वास की घोषणा करते हैं, प्रभु ईसा मसीह मेरे जीवन का और हमारे इस दुनिया का और पूरी दुनिया का राजा है, यह बताते हुए होसाना जयकार करते हुए चर्च की परिक्रमा करते हैं। और चर्च की परिक्रमा करने के बाद मुख्य याजक द्वारा गिरजाघर के मुख्य द्वार को बंद ठोकता जाता है। तीन बार ठोकने के बाद मंदिर खुलता है और मंदिर में जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने यरूशलेम मंदिर की ओर एक ट्रायम्फेंट एंट्री, राजा के रूप में एंट्री किया है, उसके दृश्य में एंट्री करते हैं और वहां विशेष प्रार्थनाएं की जाती है। और इस खजूर रविवार को विशेष रूप से आशीष करते हुए ये खजूर की डालियां विशेषकर लोग, हर विश्वासी अपने घरों में ले जाते हैं
जिस प्रकार होली के दिन में होलिका दहन के बाद लोग इस पवित्र शुभ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार इस खजूर की डालियों को लेकर जाते हैं और मोंडी तेसडे में जहां जो विशेष प्रार्थनाएं होती है वहां इसकी जरूरत होती है। और पूरे दिन पूरे साल भर इस खजूर के डालियों को घर में आशीष की हुई ये जो खजूर की डालियों को रख देते हैं। एक विश्वास की घोषणा है प्यारे दर्शकों, पवित्र सप्ताह का पहला दिन खजूर रविवार जो आज हम मनाते हैं, खजूर रविवार हमारे लिए एक संदेश देता है। मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में, क्या मैं, आप, हम सब प्रभु ईसा मसीह को अपने राजा के रूप में मानते हैं या नहीं मानते? प्रभु ईसा मसीह का राज इस दुनिया का नहीं है, एक टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं है, यहां से यहां तक सीमित नहीं है, इतने पॉपुलेशन का नहीं है, वो हमारे दिल के राजा है, हमारे दिलों में निवास करने वाला राजा है, हमारे तन मन को पवित्र करने वाला राजा है। जैसे राजा का आगमन यरूशलेम मंदिर में हुआ, वहां सफाई हुई, पवित्रीकरण हुआ, प्यूरिफिकेशन हुआ, ठीक उसी प्रकार पवित्र सप्ताह में खजूर रविवार हमें चेतावनी देती है, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे अंधकारमय जीवन को पवित्र करने के लिए क्या तुम तैयार हो? अब मैं आपको बताना चाहूंगा, पवित्र हफ्ते में विशेषकर सारे कलीसिया के सारे लोग कन्फेशन करते हैं, पाप स्वीकार संस्कार द्वारा आपने हमसे मुझसे की हुई गलतियों पर एहसास करते हैं, माफी मांगते हुए ईश्वर की ओर वापस आते हैं। पीड़ा सहन, प्रभु ईसा मसीह के पीड़ा सहन, दुखभोग एवं पुनरुद्धार में भाग लेने के लिए। कैथोलिक कलीसिया के सबसे बड़ा त्योहार है प्रभु ईसा मसीह का पुनरुद्धार। इस दुनिया में ईश्वर के पुत्र द्वारा प्रभु ने अपने पुत्र को भेजा, पुत्र आकर दुनिया को मुक्त दिलाया, किस प्रकार दिलाया? अपने पीड़ा सहन। इन आने वाले दिनों में हम इन बड़े दुख भोग, प्रभु के दुख भोग, कठिन दुख भोगों को हम मनोरंजन करने वाले और एक नई शुरुआत जीवन में चेंजेस लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, प्रभु ईसा मसीह फिर से आएंगे। एक स्वर्गीय यरूशलेम है, इसलिए कैथोलिक चर्च में दो प्रकार का सोच चलते हैं लिटर्जी में, एक अर्थली यरूशलेम जो यहूदिया में है, यहूदा में है यरूशलेम जहां प्रभु ने अपना एंट्री किया, लेकिन एक यरूशलेम है स्वर्गीय यरूशलेम, हेवनली यरूशलेम जहां अपने को पहुंचना है, वहां के राजा के रूप में इटर्नल हमेशा हमेशा के लिए प्रभु ईसा मसीह अपना राज्य करेंगे। वहां होलीनेस पवित्रता की सबसे बढ़िया सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो इसको बताते हैं, बताने वाले बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है, हमेशा प्रभु की आराधना करते हुए ये बताते हैं, वह तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवट है। इस पवित्र हफ्ता में पूरे के पूरे में हम प्रभु ईसा मसीह के दुख भोगों को याद करते हैं और प्रभु द्वारा प्रदत्त दी गई अनुग्रहों को हम याद करते हैं। पवित्र आत्मा तेरी महिमा में ईश्वरत के साथ एक तत्व है, उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिताई की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। खजूर की डालियां हाथ में लिए जब निसहाय लोग प्रभु ईसा मसीह को अपने राजा के रूप में स्वीकारा, जय जयगान किया, दाऊद के पुत्र, क्योंकि विश्वास था कि दाऊद राजा के घराना, दाऊद राजा इसराइल लोगों के सबसे मुख्य राजा है,
जो लिबरेटर के रूप में साथ दिया था। तो उनके घराने से एक ऐसा लिबरेटर आएंगे, राजा के रूप में आएंगे, जो दुनिया को मुक्ति देंगे। उसी प्रकार मेरे जीवन में क्या मैं प्रभु को मेरे मुक्तदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए कितना दिलचस्पी रखते हैं, मैं कितने दिल से मैं स्वीकारता हूं। स्वीकार करना एक बात और उसकी घोषणा करना दूसरी बात। मेरे विश्वास को दूसरों के सामने ऐलान करने के लिए प्रभु ईसा मसीह मेरे जीवन के मुक्तदाता हैं, क्या मैं बता पाता हूं? क्या मैं अपने जीवन की से घोषणा अपने खदनी और करने से क्या मैं घोषणा करता हूं? ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए खजूर रविवार या पाम संडे पवित्र सप्ताह की शुरुआत है। जीसस सफरिंग, डेथ एंड रिसरेक्शन, इन महान घटनाओं को सोचने का, समझने का, मनोरंजन करने का समय है। ईश्वरी के सारे दर्शकों को मैं पाम संडे या खजूर रविवार के इस शुभ दिन में आग्रह करता हूं कि आप भी कलीसिया के साथ, चर्च के साथ इस पवित्र हफ्ता की ओर चलें। प्रभु ईसा मसीह के दुख भोगों को, पीड़ा सहन को, उसके माध्यम से जो पुनरुद्धार, जो मुक्ति मिली है, उसको एहसास करने के लिए, अनुभव करने के लिए मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए ईश्वर का अनुभव हमारे दिल में मिले, हमारे मन में मिले, हमारे शांति मिले, हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, ईश्वरी के जितने भी दर्शकों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए पूरी दुनिया के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि इस खजूर रविवार में प्रभु ईसा मसीह हम सबको आशीष दे, आशीष करे, जिस प्रकार वो एक राजा के रूप में राजकीय एंट्री किया था, ठीक उसी प्रकार मेरे दिल में भी आप आए, मेरे परिवार में भी राजा के रूप में आए और हमें शांति दे। प्रभु ईसा मसीह हम सबको आशीष दें।